जहानाबाद और गया सीमा पर स्थित मखदुमपुर प्रखंड के मंझौस समेत लगभग दर्जनों गांवों के ग्रामीण नदी में पानी रहते हुए भी सिंचाई के बिना फसलों को सूखते देख आंसू बहाने को मजबूर हैं। आक्रोशित किसान 2 साल से चल रही सिंचाई की दिक्कतों के चलते मोरहर नदी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मोरहर नदी का पक्का बांध बनाने की मांग रखी, ताकि किसान की साल भर की मेहनत को बेकार होने से बचाया जा सके। पीड़ित किसान ने कहा, पिछले कई सालों से नदी पर पक्के बांध बनाने की मांग चली आ रही है, इसके बावजूद सरकार और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। थक हार कर मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अन्नदाता पास से गुजर रही नदी पर एक बांध के लिए जल सत्याग्रह करने को मजबूर हैं। कि हम लोग को बहुत पहले से पूर्वज का बांध बंधा हुआ है, इस बांध बनने से हम लोग के करीब 3-4 पंचायत का सिंचाई होता है। अभी अभी हम लोग के नदी के दोनों नदी में पानी जा रहा है और हम लोग का धान झुलस रहा है, खेत में पूरा दरार फरा हुआ है। अभी स्थिति ऐसा हो गया कि किसान के हम लोग को सारा पूंजी लगा दिए हैं, पूंजी लगाने के बाद धान जाने की स्थिति में है। इसलिए सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि कम से कम पक्की बांध हो जाए कि ताकि हम लोग आने के लिए पेट का भोजन का व्यवस्था हो जाए। बहुत दिक्कत है, सरकार से हम लोग से बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं। जितने नेता आते हैं आश्वासन दे के चल जाते हैं, होंगे होंगे, होता कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग के अपने लोग का जल से ग्रहण करना पड़ रहा है और आगे उम्मीद रहकर कि सरकार हम लोग के जल से जल चुनाव से पहले काम यहाँ पर लगा दे, ताकि हम लोग के कुछ संतुष्टि हो कि आने वाला समय में धान हम लोग के नहीं मरेगा। पीड़ित किसानों ने कहा कि इस साल अच्छी वर्षा होने से मंझौस पंचायत के तकरीबन आधा दर्जन गांव के किसानों ने धान की फसल तो लगा दी, लेकिन नदी में पानी होने के बावजूद आसपास के धान के खेत बिना पानी के सूखते जा रहे हैं। जब खेत में सिंचाई की जरूरत होती है तो बांध न होने के चलते नदी का पानी उनके खेतों में नहीं पहुँच पाता, जिस वजह से उनकी धान की खेती को नुकसान पहुँचता है। क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि हमारे यहाँ धान मर रहा है, नदी बह रही है, धान मर रहा है, किसान परेशान है, किसान रोता है, कलपता है और किसान जब न तब यही सोचता है कि हम आखिर कैसे जिएंगे। सरकार अपनी है या पराई रहे उसे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार है, हम लोग वोट दिया है, लोगों को बनाया है, लोगों से मांग करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही, कुछ अफसर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज तक हम लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं जो आज 1.5-2 साल से कार्यक्रम में लगे हैं इस बांध के लिए, फिर भी आज तक सरकार के कुछ कर्मचारी अपनी लापरवाही के कारण यह स्थिति बरकरार, पूर्व स्थिति बरकरार है, जिससे हम लोग की परेशानी बढ़ रही है। इसीलिए आज तक जे आज भी हम लोग इसी जल में खड़ा होकर के ये सारी समाचार पत्र मैंने लोगों को बता रहे हैं। बहरहाल पीड़ित किसानों ने नदी पर पक्के बांध के निर्माण की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।